सही कहते हैं, एक क्लिप हम देख रहे हैं जिसमें इनके खुद जो विधायक है उनको खुद मालूम नहीं है कि 2500 करोड़ क्या है। पहले तो वो लोग स्टडी करके आए और उसके बाद जो है करना शुरू कर दिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो खबरों का खुलासा में। तो जैसा कि आज दिल्ली के 272 वार्डों में आम आदमी पार्टी द्वारा बीजेपी शासित एमसीडी पर आरोप लगाते हुए 2500 करोड़ का आरोप लगाते हुए दिल्ली की जनता को जागरूक करने के लिए पदयात्रा निकाली गई। पर जब दिल्ली की इन जगह तमाम जगहों पर होने वाली पदयात्राओं में आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से जब सवाल जवाब किए गए कि आखिर ये 2500 करोड़ रुपए का घोटाला क्या है, आखिर बीजेपी शासित एमसीडी ने ऐसा क्या घोटाला किया है, तो उन्हें ना तो इसके बारे में कोई जानकारी थी। आज दिल्ली के तमाम जगहों पर नगर निगम के खिलाफ पदयात्रा निकाली जा रही है आम आदमी पार्टी द्वारा। उनका आरोप है बीजेपी शासित एमसीडी में 2500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। हम इसके लिए मौजूद हैं आदर्श नगर विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद है आदर्श नगर के विधायक पवन कुमार शर्मा जी। शर्मा जी, आपका हमारे इस खास शो में स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा बीजेपी से शासित एमसीडी पे जो ये 2500 करोड़ घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है, आखिर ये माजरा क्या है, किस तरीके का ये 2500 करोड़ रुपए का? देखिए, जो 2500 करोड़ का मैटर है, ऑनलाइन है बिल्कुल, कोई ऐसी बनावटी बात नहीं। मैं आपसे चाहूंगा कि थोड़ा सा स्पष्ट करें, आखिर 2500 करोड़ रुपए का घोटाला किस तरीके से ये उत्तरी दिल्ली नगर निगम में हुआ है, हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, बताओ। विधानसभा अध्यक्ष जी से भी बात करेंगे, ये जो निगम का जो घोटाला 2500 करोड़ का, किस तरीके का ये घोटाला, हमारे दर्शकों को बताएं क्या है आखिर ये 2500 करोड़ के घोटाले का माजरा। ये घोटाला इन्होंने 2 साल पहले करा था, तो अब इसके बारे में जान लो है नहीं अभी, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। Oh my God! जी, मेरा आपसे एक सवाल है, जो ये भाजपा शासित एमसीडी पे 2500 करोड़ रुपए के घोटाले का जो आरोप लग रहा है, आखिर हमारे दर्शकों को बता, आखिर ये आरोप है क्या, कैसे ये घोटाला हुआ, कैसे आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि ये घोटाला है? सर, ये तो मेरे ख्याल से आज दिल्ली वासियों को, दिल्ली की जनता को ये पूरा इल्म है कि भाजपा जो किस कदर आज की डेट के अंदर गिर गई है, जो स्कूलों की कॉपी किताबों से लेकर स्कूलों की मरम्मत, एमसीडी के जो स्कूल है उनके किताबें नहीं दी, उससे पहले भी भाई दुर्गेश पाठक जी ने ये सवाल उठाया कि आखिर ये 2500 करोड़ रुपए का घोटाला क्या है, तो कई लोगों ने चुप्पी साधी, कई लोग इसे जूते का, स्टेशनरी का घोटाला बता रहे थे, कई लोग इसे वेतन का बता रहे थे, पर सही चीज़ कहीं नहीं निकल के आई। जब उनके विधायकों तक से बात की हमने कि आखिर ये 25 करोड़ रुपए का घोटाला क्या है, तो उन्होंने हमें डाइवर्ट करते हुए लैंटर माफिया, बिल्डिंग डिपार्टमेंट, तमाम एमसीडी के आरोप गिनाना चालू कर दिए कि कई जगह ऐसे। आइए, हमारे साथ इस सारी बातों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ साउथ दिल्ली से मेयर अनामिका मिथिलेश जी मौजूद हैं। अनामिका जी, आज 272 वार्डों के अंदर आम आदमी पार्टी के लोगों ने बीजेपी पे आरोप लगाते हुए पदयात्राएँ किया, उस बारे में आपका क्या कहना? देखिए, ये है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचिए। आप उनको जब ये पदयात्रा करना था तो पहले ही पदयात्रा करते हुए, जब हम 13,000 करोड़ जो है मांगना शुरू कर दिए हैं, तो ये अपना नया नया रूपरेखा तैयार किए हैं। अभी आप सही कहते, एक क्लिप हम देख रहे हैं जिसमें इनके खुद जो विधायक हैं उनको खुद मालूम नहीं है कि 2500 करोड़ क्या है। पहले तो वो लोग स्टडी करके आए और उसके बाद जो है करना शुरू कर दिए। वो सोच रहे थे कि इसी तरह हम क्या किए थे दिल्ली पर जो है जनता को जो है एक विशेष प्रलोभन देकर हम उनसे वोट ले लिए, विधायक बन गए। अरे आप विधायक हैं, हम तो लोकल बॉडी हैं, हम तो आपसे नीचे हैं, तो आप हम पर इंक्वायरी क्यों नहीं करवाते हैं?
आपके पास तो पावर भी ज़्यादा है, आपकी सरकार है, आप इंक्वायरी कीजिए। और जहाँ तक लेटर का सवाल है, आप खुद उसमें इन्वॉल्व है, तब तो गणना जानते हैं, गणितीय गणना करते हैं, 2 लाख 4 लाख 5 लाख, इसका मतलब है आप 2 लाख में इन्वॉल्व हैं। आज आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का ये भी कहना था कि हम लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं कि MCD के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है, MCD का बिल्डिंग डिपार्टमेंट करप्ट है, और MCD को उन्होंने मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट भी कहा। इस पर आपका क्या कहना है? हमारी पब्लिक जो है, हमारी जनता जो है, वो एजुकेटेड है, जागरूक खुद है। जब वो वोट लिए थे तो आम आदमी बन के लिए थे, खास आदमी बन के नहीं लिए थे। वो आम आदमी को जो है हमारी पब्लिक वोट दी थी, हमारी जनता वोट दी थी, और अब वो क्या जागरूक करेंगे? पहले वो खुद जब जागरूक नहीं हुए तो पब्लिक को क्या जागरूक करें? पहले तो खुद वह जागरूक हो जाए कि 2500 करोड़ रुपया क्या है, और उन पर खुद हम लोग FIR करेंगे कि हमारी यूनिपोल का वो दुरुपयोग किए हैं, यूनिपोल वो कई एडवर्टाइज़ किए हैं जिसका पेमेंट नहीं वो दे रहे हैं, तो वो तो खुद मोस्ट करप्ट हैं। तो कहीं ना कहीं जो विधायकों की भी, अगर MCD का कोई निगम पार्षद किसी भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो विधायक में आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, वो कार्रवाई कर सकते हैं उस पर? जी, कार्रवाई कर सकती है। आप उनके विधायक को निकालिए, गणना कीजिए, मेरे जो निगम पार्षद का कीजिए, देखिए कितने विधायक जो है पहले भी निकल चुके हैं और अब भी निकल सकते हैं। आप कुमार विश्वास से लेकर कई ऐसे उनके वरिष्ठ नेता है जो उनसे निकल गए हैं।